हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डोरेमोन के कलर कैसे करना होता है। एक्चुअली दोस्तों ये पार्ट टू है, तो पार्ट वन में पहले कर चुका हूँ और मैं पार्ट वन में डोरेमोन को कैसे ड्रॉ करना होता है वो दिखा चुका हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों वो वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। आप इधर पर देख ही सकते हैं मैं डोरेमोन का कलर जो नीला होता है वो कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने टीवी में देखा ही होगा डोरेमोन का कलर नीला होता है, या अभी भी देखते हैं या देखते होंगे व कभी देखे होंगे, तो आप लोगों को भी पता है डोरेमोन का शरीर नीला होता है, जीभ लाल होता है। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही करना है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले मैं नीला कर रहा था, फिर ऊपर से सरसरा वाइट रंग भी कर रहा था, इससे शेडिंग के लिए बहुत अच्छा लुक निकल आता है। तो अभी हम डोरेमोन का हैंड नीला कलर कर रहे हैं, फिर साइड से हम फिर से वो व्हाइट पेंट कर देंगे। वो करने के बाद कॉटन की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होता है कि दोस्तों जो डोरेमोन के पीछे से जो रोशनी आता है वो समझाने के लिए हम जो व्हाइट पेंट साइड में से थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं और कॉटन की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देते हैं। तो ऐसे में देख रहे हैं डोरेमोन के सिर में नीला कर रहा हूँ, फिर साइड में से पीछे में वो व्हाइट पेंट चढ़ाने वाले है, वो शेडिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है दोस्तों दिखने में। फिर दोस्तों हम पीछे थोड़ा सा व्हाइट रंग चढ़ा के कॉटन की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे, जिससे क्या होता है कि दोनों कलर आपस में मिल जाता है अच्छी तरह से। फिर दोस्तों हम डोरेमोन के हैंड और पैर भी व्हाइट रंग कर देंगे अच्छी तरह से। आप लोग चाहे तो पेंसिल से भी कर सकते हैं व्हाइट, वो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से भी आप लोग बाई कर सकते हैं, वो पेंसिल होता है जो व्हाइट कलर का, वो पेंसिल होता है। फिर हम डोरेमोन के शरीर को भी अच्छी तरह से व्हाइट कर देंगे, डोरेमोन के पॉकेट मॉकेट वगैरह, डोरेमोन का मुंह व्हाइट कर देंगे। डोरेमोन का मुंह व्हाइट करने के समय डोरेमोन का मुंह से ढक जाए तो कोई बात नहीं, हम बाद में पेंसिल से उसे वापस कर सकते हैं। तो कॉटन की मदद से हम फिर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। फिर दोस्तों हम पेंसिल की मदद से सारा आउटलाइन फिर से कर देंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। करने के बाद हम दोस्तों डोरेमोन का जो जीभ है वो हम लाल कर देंगे, फिर उसके जो गले में जो बेल है वो बेल भी करेंगे। बेल यानी दोस्तों वो डोरेमोन के गले में जो घंटा होता है, वो घास फूस खाने वाला बेल की बात नहीं कर रहा मैं। तो डोरेमोन का जीभ जो है वो हम फिर से कॉटन की मदद से ब्लेंड कर देंगे। फिर डोरेमोन के गले में जो घंटा है वो पीला कर देंगे एकदम केले की छिलकी की तरह दोस्तों। फिर दोस्तों हम डोरेमोन का पूंछ लाल कर देंगे मार मार के। अब डोरेमोन मिलेंगे कहाँ, तो मैं रंग से ही लाल कर दिया। फिर हम आउटलाइन ब्लैक मार्कर से या आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, डोरेमोन का जो ड्रॉ किया था मैं पार्ट वन में, मैं वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लेना,
वहाँ पे मैं अच्छी तरह से डिटेल्स में मैं कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, या आप लोग मेरे चैनल में भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।